रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, दोनों की स्टार्ट हो गई। तो कविता जी चलिए अब जरा नया सेशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये किसी भी अकाउंट के अंदर, देखिए मान लीजिए हमारे पास में दो वीपीसी हैं, वीपीसी वन और वीपीसी टू, और इस वीपीसी के अंदर हमने ये कुछ इंस्टेंसेस क्रिएट की हुई है, के साथ साथ मैंने इसमें एक बकेट भी क्रिएट की हुई है, और इस बकेट के अंदर मेरा बहुत सारा डेटा स्टोर किया हुआ है मैंने। बकेट आगे चल के आएगा, आपका बकेट होता क्या है, ठीक है। इसी तरह सेकंड वीपीसी में भी मैंने इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं, और इस अकाउंट के इस वीपीसी के अंदर भी ये बकेट अवेलेबल है, और इस बकेट में भी ये डेटा स्टोर किया गया है। अब वीपीसी होता क्या है, वीपीसी क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस करते कैसे हैं, वीपीसी के अंदर इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल या परसों ही बताया था, यानी कि लास्ट के कुछ ही सेशन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई एक वीपीसी जो होता है वो अनदर वीपीसी से कंप्लीटली आइसोलेट होता है, बिल्कुल अलग होता है। कभी भी एक वीपीसी के रिसोर्सेज अनदर वीपीसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था ना आपको। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, अगर याद हो, कि अगर हम लोग कुछ कंडीशंस को फुलफिल करें तो आप एक वीपीसी को अनदर वीपीसी से कम्युनिकेट करा सकते हो। अब हमारा यही प्रैक्टिकल है कि मान लीजिए हमारे पास में दो वीपीसी है, वीपीसी वन और वीपीसी टू। अब मुझे इन वीपीसी के अंदर बने रिसोर्सेज को आपस में कम्युनिकेट कराना है, समझ गए। देखिए, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट कभी भी एक वीपीसी किसी अनदर वीपीसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, चाहे वो दोनों वीपीसी, अब कान खोल के सुनना, अब चाहे वो दोनों वीपीसी एक ही रीजन में क्यों ना हो तो भी वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चाहे वो डिफरेंट रीजन में हो तो भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी अनदर अकाउंट के किसी अनदर बंदे के अकाउंट में ही क्यों ना हो तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तीन चीजें मैंने आपको बताई है, सेम रीजन, सेम रीजन में चाहे वीपीसी है दोनों, या फिर डिफरेंट रीजन में है ये दोनों वीपीसी, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रूट अकाउंट में है, या डिफरेंट अकाउंट में है। ये जो दोनों, पहली जो दोनों कंडीशन है, ये सेम अकाउंट की बात हो रही है, सेम अकाउंट के सेम रीजन में, या सेम अकाउंट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। जैसे कि ये मेरे ही अकाउंट में, ये मुंबई रीजन में है, ये ओयो रीजन में है, या ये दोनों ही मेरे अकाउंट के मुंबई रीजन में है। कभी भी कोई भी कंडीशन अगर हम लोग ले ले, बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी अनदर वीपीसी से
कंप्लीटली आइसोलेट होता है, कभी भी एक बीपीसी को अनदर बीपीसी से कम्युनिकेट नहीं कराया जा सकता है, या एक बीपीसी के रिसोर्सेज को अनदर बीपीसी से कम्युनिकेट नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग चाहें भाई, अगर अकाउंट का अगर रूट अकाउंट चाहे तो दो वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है, चाहे वो दोनों वीपीसी सेम रीजन में क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो दोनों वीपीसी डिफरेंट रीजन में क्रिएट किए गए हैं सेम अकाउंट में ही, या फिर एक वीपीसी मेरे अकाउंट में है, एक वीपीसी कविता आपके अकाउंट में है, तो आपके अकाउंट के वीपीसी को अगर मेरे अकाउंट के वीपीसी से हम दोनों कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, आप भी कम्युनिकेट कराना चाहते हो, मैं भी कम्युनिकेट कराना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल है बाय पियरिंग, बाय पियरिंग। जिसे हम लोग वीपीसी पियरिंग के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? Yes. अब यही हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, हाउ टू क्रिएट वीपीसी पियरिंग। अब देखो भाई, इसमें दो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो आपके जो दोनों वीपीसी हैं जिनके जिन्हें आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो, जिनके बीच में आप पियरिंग करना चाहते हैं, सेम अकाउंट के सेम रीजन में है। दूसरी कंडीशन हो सकती है, सेम अकाउंट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है, तो भी आप पियरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक वीपीसी मेरे अकाउंट में है, एक वीपीसी सुजीत आपके अकाउंट में है, दो डिफरेंट अकाउंट में बने वीपीसी को भी पियरिंग किया जा सकता है। कैसे, वो मैं एक ही जगह सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो चलिए जरा बिलिंग आप देख ही चुके हैं, अपने वीपीसी में चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा। अभी अगर यहां पर अब मैं आपको दिखाऊं, इस टाइम पर मैं मुंबई रीजन में हूं, मैक्सिमम मैं मुंबई रीजन में ही काम करता हूं, क्योंकि यहां से मेरे को जल्दी से रेस्पॉन्स मिल जाता है। बीपीसी में जाइएगा और इधर से आप वीपीसी क्रिएट कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी से क्या करें, बीपीसी हाइफन वन, CIDR ब्लॉक रेंज रखते हैं अपना 10.000/24। नहीं यार, बगल ला रहा है क्या, लिख साहब 16 क्रिएट, देन इसके बाद मैं एक सबनेट क्रिएट करूंगा, क्रिएट सबनेट वीपीसी वन में, वीपीसी हाइफन वन हाइफन सबनेट अवेलेबिलिटी जोन, यहां पर मैं 1A सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके लिए CIDR ब्लॉक रेंज रखेंगे हम लोग 10.000/24। अब देखो यार, हाँ ये चीज 10.000.0 इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन क्रिएट सबनेट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जल्दी से इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंटरनेट गेटवे वीपीसी हाइफन वन हाइफन IGW, अटैच करते हैं वीपीसी के साथ,
भाई कोई स्टेप मिस कर रहा हूंगा तो मेरे को बता देना, थोड़ा सा जल्दी में हूं। रूट टेबल पे चलते हैं, क्रिएट रूट टेबल, वीपीसी हाइफन वन हाइफन रूट वीपीसी वन के लिए क्रिएट, देन आप वापस रूट टेबल पे आइएगा, चेक मार्क ऑन योर रूट टेबल, सबनेट एसोसिएशन, एडिट, सेलेक्ट योर सबनेट, सेव के बाद अगेन रूट रूट्स पे जाइएगा, एडिट रूट, सेलेक्ट योर डिफॉल्ट रूट, इंटरनेट गेटवे, सेलेक्ट योर IGW, सेव चेंजेस। कोई स्टेप मैंने मिस किया क्या? हो गया? यस सर। चलिए अब सेकंड वीपीसी क्रिएट करते हैं। ये तो हमारा वीपीसी वन हो गया, ठीक है। मैं सेम रीजन में ही रख लेता हूं। एक्शन भी किधर जा रहा है यार, क्रिएट वीपीसी, वीपीसी टू, वीपीसी हाइफन टू। अब वीपीसी टू के लिए मैं CIDR ब्लॉक रेंज 192.168.80.0/16 क्रिएट वीपीसी, देन सबनेट पे चलते हैं, क्रिएट सबनेट वीपीसी टू, देन सबनेट नेम वीपीसी हाइफन टू हाइफन सबनेट, अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, CIDR ब्लॉक रेंज आप यहां पर डिसाइड करेंगे सबनेट के लिए जो कि 192.168.0.0/24 क्रिएट सबनेट, देन इंटरनेट गेटवे। रट्टे लग जाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, वीपीसी हाइफन टू हाइफन IGW है ना, ठीक है। क्रिएट अटैच करते हैं किस वीपीसी के साथ, वीपीसी टू के साथ अटैच, देन रूट टेबल, रूट टेबल, रूट 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 टेबल, क्रिएट रूट टेबल वीपीसी हाइफन टू हाइफन रूट हो गया वीपीसी टू के लिए, देन क्रिएट, वापस रूट टेबल पे जाइएगा और आपका वीपीसी टू रूट को चेक मार्क कीजिएगा, सबनेट एसोसिएट करेंगे पहले हम लोग वीपीसी टू सबनेट ये वाला, सेव चेंजेस, देन अगेन वीपीसी टू रूट, रूट पे जाइएगा और एडिट रूट, सिलेक्ट डिफॉल्ट रूट, यही है ना, डिफॉल्ट रूट, देन इंटरनेट गेटवे और ये वीपीसी टू IGW, सेव चेंजेस। इतना हो गया ना? अब ये हमारे पास में दो वीपीसी क्रिएट हो चुके हैं, क्लियर है भाई? अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए
मुझे पियरिंग कन्फिगर करना पड़ेगा, पियरिंग क्रिएट करना पड़ेगा। देखना कहीं पर पियरिंग है क्या, नीचे 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 नेट गेटवे के नीचे पियरिंग कनेक्शन। सुजीत भाई किधर हो, आवाज नहीं आ रही है यार? नहीं नहीं इधर हूँ, मुझे बीच बीच में स्क्रीन देखनी पड़ रही है ऑफिस की। अच्छा हाँ 35 पियरिंग कनेक्शंस पे आइएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पियरिंग अवेलेबल नहीं है अभी। अब पियरिंग क्रिएट करने के लिए क्रिएट पियरिंग कनेक्शंस पे क्लिक कीजिएगा। पियरिंग नेम VPC-1-VPC-2-Peer, कोई भी नेम आप रख लीजिएगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले जिन दो VPC, अब यहां पर वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैंने आपको यहां पर बताई थी कि भाई सेम रीजन भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन भी हो सकता है, और डिफरेंट अकाउंट के अंदर भी वीपीसी हो सकते हैं, वो अब आएगा पियरिंग के अंदर। ध्यान से देखना इस पेज को। अब कविता यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई दो वीपीसी के बीच में आप पियरिंग कंफिगर करना चाहते हैं, उन दोनों वीपीसी को कम्युनिकेट कराने के लिए। तो उन दोनों वीपीसी में से एक वीपीसी बनेगा रिक्वेस्टर, ओके, और दूसरा वीपीसी बनेगा एक्सेप्टर। जैसे कि मान लीजिए मैंने फेसबुक पर आपको सर्च किया कविता के नाम से और वहां पर आप मेरे को दिख गए, आपने मेरे को सर्च किया, मैंने आपको सर्च किया, दिया, दोनों सर्च हो गए एक दूसरे का। फिर एक बंदा क्या करेगा, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। भाई मान लीजिए मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैं क्या हुआ, रिक्वेस्टर, और जो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा यानी कि आप हुए एक्सेप्टर। तो यहां पर हमें वो वीपीसी सेलेक्ट करना है जो रिक्वेस्ट करेगा फ्रेंडशिप के लिए। तो यहां से आप वीपीसी सेलेक्ट कीजिएगा। भाई रिक्वेस्ट कौन करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा कौन, VPC-1 या VPC-2, कोई भी आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां पर देख लीजिए हमने VPC-1 को एज अ रिक्वेस्टर यूज किया। अब यहां पर देखो भाई एक्सेप्टर अनदर वीपीसी जिसके साथ में ये पियरिंग करना चाहता है, यानी कि एक्सेप्टर मेरे ही अकाउंट में है क्या या कविता के अकाउंट में है? अगर कविता के अकाउंट में है एक्सेप्टर, तो यहां पर मैं कविता की अकाउंट आईडी डालूंगा जो 12 डिजिट की होती है, ये बात देख रहे हो। तो यहां पर मैं आपकी अकाउंट आईडी डालूंगा, उसके बाद किस रीजन में है रीजन को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन समझ गए ना अनदर अकाउंट का क्या मीनिंग है? तो यहां से आप माय अकाउंट को ही सिलेक्ट रहने दीजिए क्योंकि दोनों वीपीसी मेरे ही अकाउंट में है। लेकिन डिफरेंट अकाउंट में है या अनदर अकाउंट में है तो यहां पर चेक मार्क कीजिएगा और यहां पर अकाउंट आईडी डाल दीजिएगा 12 डिजिट की। तो अभी के लिए माय अकाउंट को ही रहने देता हूं। अब मेरे अकाउंट में भी क्या सेम रीजन में ही है क्या? Yes. या अगर अनदर रीजन में है, अनदर रीजन को सिलेक्ट करना और यहां से वो अनदर रीजन सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपका एक्सेप्टर वीपीसी बना हुआ है। लेकिन मेरा तो इसी रीजन में ही है, सेम ही रीजन में है, तो केवल इस पेज में ही ये चीज है बस यहां पर जो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारी चीजें समझ गए ना यहां से? Yes. तो सेम रीजन में है, यहां से आप एक्सेप्टर सेलेक्ट कीजिए। कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? वीपीसी वन तो हमारा
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्टर है ये, तो अब एक्सेप्टर कौन होगा, डिफॉल्ट वीपीसी या वीपीसी टू? वीपीसी टू. देन बाकी और कुछ नहीं करना है, पियरिंग कनेक्शन नेम डालना है, एक्सेप्टर सेलेक्ट करना है, और माय अकाउंट, अनदर अकाउंट, दिस रीजन, अनदर रीजन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है भाई, और क्रिएट पियरिंग कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना भाई, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, अब ये जो एक्सेप्टर है भाई, ये तो इसी रीजन में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर मेरे को सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन अगर ये एक्सेप्टर ओयो रीजन में होगा, ठीक है, अगर इसी अकाउंट के ओयो रीजन में होगा ये एक्सेप्टर, तो आप क्रिएट पे क्लिक करने के बाद, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहां से अपने रीजन को चेंज करेंगे, ओयो रीजन में जाएंगे, और ओयो रीजन के वीपीसी में जाकर जो आपका एक्सेप्टर है वहां से आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है. बिल्कुल, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है. अब भाई ये तो हो गया डिफरेंट अकाउंट में, सॉरी डिफरेंट रीजन में, लेकिन एक रिक्वेस्टर विशेष अकाउंट में बना हुआ है वीपीसी, और एक्सेप्टर है सुजीत आपके में, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और उसी रीजन में जाएंगे जिस रीजन के वीपीसी के साथ में उसकी फ्रेंडशिप होनी है, यानी कि पियरिंग होनी है, और वहां से आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें. ये सारी चीजें परफॉर्म करके देखना, मैंने एक एक कंडीशन आपको बता दी है. अब देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करूंगा मैं, मेरा तो यहाँ पे है ना सब कुछ, ठीक है वीपीसी टू, क्रिएट पियरिंग कनेक्शन. अब आप यहां पर देख सकते हो गया. अब यहां पर देखे चला, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं की है. सुजीत भाई करो ना यार, वो तो आपके रीजन में है, तो आप ही को करना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन यहां से, क्योंकि ये तो सब कुछ मेरे ही अकाउंट में है, तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा. वो भाई मैं इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता हूं, ऐसा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं और एक्सेप्ट भी कर सकता हूं. मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये आप यहां पर देख सकते हैं. अब हमारा एक्टिव हो गया है क्या, अभी भी डिस्प्ले हो रहा है क्या वो पेंडिंग? नहीं, एक्टिव हो गया. बिल्कुल एक्टिव है. और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, इसकी पूरी मेटाडेटा भी देख सकते हैं, रिक्वेस्टर ओनर आईडी क्या है, किस ओनर ने ये मेरे अकाउंट की अकाउंट आईडी आई हुई है, एक्सेप्टर अकाउंट आईडी क्या है, सॉरी रिक्वेस्टर ओनर आईडी क्या है, एक्सेप्टर ओनर आईडी क्या है, पियरिंग आईडी क्या है, पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो, किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, स्टेटस क्या है, रिक्वेस्टर सीआईडीआर वैल्यू क्या है, एक्सेप्टर सीआईडीआर वैल्यू क्या है. तो ये हमारे पियरिंग कनेक्शन का कंप्लीट मेटा डेटा है. क्लियर है ना भाई? यस क्लियर है. ओके अब जरा, अब मैं इन दोनों वीपीसी के अंदर, वीपीसी वन और वीपीसी टू में
एक एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं। ट्वेंटी ट्वेल्व का ही इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, A2 माइक्रो वीपीसी एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं वीपीसी वन में, एक ही इसमें सबनेट है। देखो यहां पर ओवर द इंटरनेट मुझे एक्सेस करना है तो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल होना चाहिए। एड स्टोरेज टैग नेम, ये वीपीसी वन सेलेक्ट किया था ना मैंने कविता? यस सर, वीपीसी वन में क्रिएट कर रहा हूं ना मैं, वन में ही किया था। ठीक है, अब मैं यहां से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूं वीपीसी -SG1 RDP anywhere, then HTTP को भी anywhere, HTTP को भी anywhere के साथ साथ मुझे पिंग करना भी पड़ सकता है ICMP वर्जन 4 को भी anywhere, क्योंकि पिंग के द्वारा मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा। रिव्यू एंड लॉन्च ईपीआर मेरे पास है नहीं, पियरिंग -IPN डाउनलोड करते हैं, पियरिंग की को लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। ये हमारा वीपीसी वन इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब एक और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं हम लोग सर्वर 2012 की ही, अब मैं वीपीसी 2 में क्रिएट करूंगा, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल होना चाहिए। एड स्टोरेज एड टैग नेम VPC-2-stands, सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग को ही ले लेते हैं। यार मैंने क्रिएट तो किया था ना वो एग्जिस्टिंग, कभी कहीं घूमने जाने का। चलो भाई क्रिएट कर लेते हैं SG-1 RDP. सर ऐसे तो नहीं अलग अलग वीपीसी में है? हाँ, बिल्कुल 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 वही रीजन है। HTTPS ICMP version 4 EPR तो ले ले यार। इंस्टेंसेस पे जाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जरा इन स्लाइस होने दीजिए सभी को। कविता ऐसा कीजिए, करीब दो हमारे पास में 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जल्दी से रीलॉगिन कीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके okay.